now confirming Union Cabinet has cleared the women's reservation bill. The Indian government has reportedly cleared the women's reservation bill. औरतों का जमाना अब है और चल रहा है. विमेंस रिजर्वेशन बिल में आया नया ट्विस्ट. पार्लियामेंट में बिल पास होने के बावजूद कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा और 6 साल के लिए इंतजार. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. हम आज आपके सामने जिस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे डिस्कस करते हुए हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है. हिस्ट्री क्रिएट हुई है आज, क्योंकि फाइनली विमेंस रिजर्वेशन बिल, जो कि पिछले कई डेकेड से हाई डिमांड के बाद भी, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा था, वो अब पास हो चुका है. एक्चुअली गवर्नमेंट ने 18th से 22nd सितंबर के बीच में पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन लाया, और उस सेशन में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने लास्ट 27 इयर्स से जो विमेंस रिजर्वेशन का इशू था उसको रिजॉल्व कर दिया है. गवर्नमेंट ने नारी शक्ति वंदन बिल 2023 नाम से 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट में लाया है, जो कि विमेन को पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन देने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है. वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू 1996 में तब के प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस बिल को लाया, पर उनको उस टाइम में उनकी गवर्नमेंट काफी अनस्टेबल हुआ करती थी, इसीलिए बहुत हेवी क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन का सामना करना पड़ा, स्पेशली उनके अपने ही एलाइज की तरफ से, जो मेनली नॉर्थ इंडिया के रीजन्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनके तरफ से उन्हें बहुत हेवी अपोजिशन मिलने के कारण ये बिल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू नहीं निकल पाया और वो पास नहीं हो पाया था. बट उसके बाद कुछ सालों में, जैसे कि 2008 में कांग्रेस पार्टी लेड UPA गवर्नमेंट ने फिर एक बार विमेंस रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया. इस बिल को आगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा गया, जो कि 2009 में उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, एंड फिर से 2010 में राज्यसभा में ये बिल को लाया गया और वहाँ वो पास हो चुका है. हाँ, अब यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा ही क्यों, व्हाई नॉट लोकसभा. तो आपको बता दूं कि लोकसभा का टेन्योर ये 5 साल का होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं. बट राज्यसभा ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी राज्यसभा कंटिन्यूअस रहती है. तो अगर ये बिल लोकसभा में लाया होता और समझिए ये वहाँ पास हो गया होता, पर राज्यसभा में पास ना हो पाता, तो लोकसभा की 5 साल की टर्म खत्म होने के बाद ये बिल लैप्स हो जाता. बट क्योंकि ये बिल राज्यसभा में लाया गया, इसीलिए ये अभी भी अलाइव है. अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस बिल को वैसे के वैसे लोकसभा में पास करवा सकती है. बट क्या हो गया कि लास्ट टाइम जब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में, उस चीज को अब 15 साल बीत चुके हैं, एंड ऑब्वियसली 15 साल में कंट्री में बहुत डेवलपमेंट आई है और बहुत सारे मेजर चेंजेस आने के कारण उस सेम बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करवाना गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने एक फ्रेश बिल को फिर से लोकसभा में टेबल किया एंड उसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है. पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको सता रहा होगा कि ये विमेंस रिजर्वेशन बिल लाने की जरूरत क्या थी. तो बात ऐसी है कि हमारे देश में विमेन अदरवाइज सारे फील्ड्स में जबरदस्त एक्सेल कर रही है, यहाँ तक कि हमारे कंट्री की टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी आज एक वुमन ही विराजमान है. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द्रौपदी मुर्मू जी. पर अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखे तो विमेन का रोल वहाँ बहुत बहुत कम आता है. जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करें तो जस्ट अराउंड 15% आर विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जबकि अगर देखा जाए तो 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के हिसाब से विमेन ने मेन को आउट नंबर कर दिया है. पहले जो सेक्स रेशो 2011 के सेंसस के हिसाब से 1000 मेल्स के पीछे 943 फीमेल्स का हुआ करता था, वो आज बढ़कर 1000 मेल्स के पीछे 1023 विमेन तक पहुंच चुका है. पर फिर भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15%. एक्चुअली ये बिल पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही सिर्फ विमेंस रिजर्वेशन के लिए अरेंजमेंट्स करेगा, एज इन राज्यसभा और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं. ये इंपॉर्टेंट और नोटवर्थी बात है, एंड UPSC का ये एक फेवरेट एरिया है. सो टोटल 543 सीट्स है आज लोकसभा में, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फिल की जाती है, और इनमें हमने SC ST कैटेगरीज को भी रिजर्वेशन दिया है. सो 543 में से SC की 84 सीट्स, ST की 47 और बची हुई 410 सीट्स है जनरल कैटेगरी की. एंड यस, अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन है. मतलब जैसे पार्लियामेंट में SC की जो 84 सीट्स है उसमें 33% विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, सिमिलरली विद ST की 47 सीट्स एंड जनरल की 410 सीट्स. इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अरेंजमेंट. सो अकॉर्डिंगली ये बिल अब पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और वो भी रिकॉर्ड मेजोरिटी से. लोकसभा में 454 वोट्स इन फेवर एंड जस्ट 2 अगेंस्ट, जो कि AIMIM के 2 मेंबर्स थे, और राज्यसभा में ऑल 214 मेंबर्स जो प्रेजेंट है उन्होंने इन द फेवर ऑफ दिस बिल वोट किया है. अब ये बिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड कंट्री
कंट्री के एटलीस्ट 50% स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इस बिल को पास करना होगा, उसके बाद ही ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द असेंट। वैसे गवर्नमेंट ने एक चीज को क्लैरिफाई किया है कि ये रिजर्वेशन इमीडिएटली लागू नहीं होगा। ये बिल की प्रोविजंस कहती है कि 2029 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि उसके पहले सेंसस होगा जो कि 2021 में होने वाला था पर कोरोना के कारण नहीं हो पाया, और उसके बाद डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। अब ये डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको ऐसे स्ट्रक्चर करना कि लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आज कई जगहों पर ऐसा है कि कुछ एमपीज 1 करोड़ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही दूसरी जगह 10-20 लाख को। सो ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आज की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1971 के सेंसस के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है। सो अब जब पॉपुलेशन में इतना बड़ा इंक्रीमेंट आया है ओवर द इयर्स, तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वैसे तो ये एक लैंडमार्क स्टेप है इन द हिस्ट्री ऑफ भारतीय डेमोक्रेसी, पर इसमें कुछ कंसर्न्स भी निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे लोकल बॉडीज में यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर ऑलरेडी वुमेन को 33% रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। कुछ स्टेट्स में तो ये इवन 50% तक के भी मिलता है, पर वहीं पर सरपंच पति नाम से भी एक टर्म सुनने को मिलती है। मतलब जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो गई और अब वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लीडर जो सालों से वहाँ से इलेक्ट होके आते थे और उनका उस एरिया में काफी अच्छा होल्ड भी है, वो तो अब इस सीट पर से नहीं लड़ सकते, तो उनकी जगह वो अपनी पत्नी को इलेक्शन में जीतवा कर बिहाइंड द कर्टन खुद ही पूरा सरपंच की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। बस यही चीज लोकसभा में भी हो सकती है, ऐसा कंसर्न रेज किया जा रहा है। क्या लगता है आपको इस कंसर्न को कैसे दूर किया जाए? कोई सॉल्यूशन है? आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम हर एक कमेंट को जरूर पढ़ते हैं, ये मैं आपको एंश्योर कर सकता हूँ। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।